हाँ तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज कहीं घूमने जाने का प्लान है और जब उठे तब पता चला कि घर पे लाइट ही नहीं है। तो जैसे तैसे करके रेडी हुए, फिर खाना खाया और अब खाना पैक करने की प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि बाहर घूमने जाना है। तो चलो दिखाता हूँ आज कहाँ पे घूमे गया। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिरेगी, लेकिन बर्फ नहीं गिर रही, सिर्फ बारिश ही हो रही है। तो चलो ट्राई करते हैं कितना आगे तक जा पाते हैं। वैसे तो चले ही जाएंगे, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली यू नो, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट। तो रास्ते में थोड़ी शॉपिंग की भी ज़रूरत थी तो मॉल में आए हैं शॉपिंग करने। तो थोड़ा नाश्ता वगैरह खरीदेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, थोड़ा मसाले वगैरह वहाँ जाके खाना भी करना है। तो गाइस लोकेशन में तो आ गए और वेदर थोड़ा अभी क्लाउडी ही है, तो पता नहीं नेक्स्ट क्या करने वाले। तो चलो देखते। वैसे प्लानिंग तो घर से स्विमिंग की भी थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगा स्विमिंग। तो फाइनली सब लोग उतर चुके हैं और यहाँ पे वो सब लोग घूम रहे हैं और मैं एक क्यूट बेबी के साथ अपना व्लॉग बना रहा हूँ। अलग ही जाना, ये देखो ये वो क्यूट बेबी है। तो यहाँ पे अब सब लोग अपना वेट चेक कर रहे हैं, देख सकते हो लाइन लगी है वेट चेक करने के लिए। तो फिर हम अपना क्यूट बेबी का क्यों नहीं करवा सकते? तो हमारा क्यूट बेबी भी वेट चेक करवा रहा है। तो आप इसको देख सकते हो, ये तो पोज दे रहा है, इसको लग रहा है कि मैं इसका फोटो खींच रहा हूँ रे बाबा। तो अभी सबने पूरा लैंड घूम लिया, चेक कर लिया और अब सब लोग यहाँ पे बैठ के अब गपशप कर रहे। और पीछे मेरे मामी अलग ही ट्रेंड में फोन पे लगे हुए। यहाँ पे हम आउटिंग करने आए हैं और वो फोन पे है अभी भी। तो आप देख सकते हो दो फैमिली के लिए इतनी सारी घोसरी हमने आज लाई है। इसमें स्नैक्स है, लंच है, बहुत कुछ है। और अभी तो फिलहाल पानी फिल कर रहे, उसके बाद यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी हो रही है। फिर खाना बनेगा और फिर खाएंगे। तो हमारी लेडीज लोग हमारे लिए खाना बनाने के लिए अपने अपने काम पे लग चुके हैं। सो देखते हैं कैसा जाएगा आज का खाना, वैसे होगा तो स्वादिष्ट ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल डाल दिया है गरम करने के लिए, उसके बाद वगैरह वगैरह कुछ होता है मसाले का, वो मिक्सचर डालेंगे। फिर यहाँ पे होगा पुलाव रेडी, उसके बाद पुलाव के साथ पराठे है, बटेका का शाक है, बहुत कुछ है। तो चलो जब तक पुलाव रेडी हो रहा है तब तक आप पुलाव का टाइम लैप एंजॉय करो।
तो आप देख सकते हो हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, अभी गर्म, इसलिए ऐसे ही गैस पे छोड़ा हुआ है। तब तक हम सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं, छाछ, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, पुलाव, पराठे, बटेर का कशाक, वो सब कुछ चीज़ें बाहर निकाल के रखते हैं। तब तक ये पुलाव ठंडा हो जाएगा थोड़ा, फिर खा भी सकेंगे। तो फाइनली मेरी सानी में मेरा पुलाव, प्याज, वो सब आ चुका है। तो चलो खाना शुरू करते हैं, तो आपको मिलता हूँ आफ्टर लंच। गाइस देख सकते हो अभी ग्लासेस वगैरह सब कुछ गीले पड़े हुए, और खाना खा के बस मैं सामने से बस इधर आया, क्योंकि सामने बहुत वॉइस हो रहा था, तो खाना बाना सब कुछ खा लिया है। तो अभी बस ऐसे ही टहलेंगे या फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर 4-5 बजे पता नहीं अब घर जाना है कि यहीं पे रहने का प्लान है, कुछ नहीं पता है। तो सामने वो लोग सब कुछ वाइंड अप कर रहे और मैं यहाँ पे हूँ, तो चलो सामने का व्यू दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। आप देख सकते हो सामने कुछ ऐसा व्यू है, वहाँ पे अभी सफाई चल रही है, वहाँ से मैं इसलिए आ गया इस साइड, क्योंकि मैं इधर उधर घूमूंगा फिर डांट पड़ेगी, और वैसे भी अब ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं उस साइड अभी नहीं जाने वाला, थोड़ी देर बाद जाऊँगा, तब तक वहाँ सफाई भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे ना कुछ बन रहा है, वो सरप्राइज है आप सबके लिए। तो जब ये चीज़ रेडी हो जाएगी ना, तब आप सबको दिख जाएगी 3 या 4 दिन के अंदर, या फिर 2 दिन, क्योंकि आज 27 है और ये 30 या 31 को रिवील हो जाएगा। तो गेट रेडी फॉर दैट डे, ओके। तो अभी 4:20 हो गई है, काम करते करते पता ही नहीं चला कब दोपहर से शाम होने वाली है। तो चलो अभी घर जाने का भी टाइम हो रहा है, या फिर कहीं और निकलना है, आंटी लोग और मम्मी सब लोग बुला रहे हैं, जल्दी आओ। तो थोड़ा नाश्ता करेगी, अभी काम भी निपटाना है, उसके बाद निकलते। फाइनली 4:20 हो गए और अब जाके थोड़ा बारिश कम हुई है, तो चलो अभी घर जाने का भी टाइम हो गया है, तो थोड़ा नाश्ता करते फिर निकल से यहाँ से। तो सी यू। ये देखो इस लड़के को किसी की चिंता ही नहीं, अकेला अकेला बस शुरू हो गया, और ये साइड में उसकी दोस्त, तो इन दोनों को किसी की भी चिंता नहीं है। और यहाँ पे सब लोग भी नाश्ता कर रहे, तो चलो मैं भी खाता हूँ थोड़ा, क्योंकि फिर तो खाने नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर। गाइज यहाँ पे तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मैं अपनी दीदी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके उधर से इधर आ रहा हूँ, और ये मेरा ही व्लॉग बना रही है, देख रहे हो आप। तो अभी हम फिर से निकल चुके हैं अपने प्यारे से मौसम और रास्ते के साथ कहीं और डोलने टोलने। तो चलो देखते हैं अगली लोकेशन कौन सी होती है हमारी, क्योंकि हम कहीं पे भी कुछ भी दिखता है तो रुक जाते हैं। तो चलो देखते हैं घर कब पहुंचेंगे हम आज। तब तक आप मेरे साथ यही विंडो से बस व्यू एंजॉय करते चलो और बढ़ते चलो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ जब बोर होता हूँ। तो ये है हमारा अभी का स्टॉप, इसके बाद
पता नहीं और क्या प्लान बनेगा। तो यहाँ पे अभी क्रिसमस की डेकोरेशन है और मैं तो भूल गया था कि कल क्रिसमस था। सो मैरी क्रिसमस फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी में टोंच करके वीडियो क्यों बना रहे, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं और अभी डिनर भी जाना है और मैं बहुत थक गया हूँ और फोन की बैटरी भी 10% ही है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो टाटा बाय बाय सी यू, मिलते एक नए व्लॉग।